नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमरिस्ट किंग। आज के दौर में हर किसी का एक ही रोना है और हर तरह एक ही शोर दिखाई दे रहा है, और वो है महंगाई का, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, सरकार की नींद भी उड़ा रखी है। डॉलर के मुकाबले रुपया बेदम होता नजर आ रहा है और महंगाई है कि दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। अब ऐसे में हर किसी को पीपली लाइव मूवी का गाना याद आ रहा है कि महंगाई डायन खाए जात है। चलिए आज इसी गर्म मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। महंगाई, इस शब्द ने हाल के दिनों में अर्थ जगत में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। अभी बीते सप्ताह जून महीने के सीपीआई के आंकड़ों के आने पर महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलती दिखी। सीपीआई यानी खुदरा महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक जून महीनों में महंगाई दर 7.04 से घटकर 7.01 हो गई। ऐसा लगा कि सरकार और आरबीआई ने महंगाई को कम करने का कोई रास्ता खोज लिया है, या कम से कम हम सही रास्ते पर हैं और आज नहीं तो कल महंगाई के ऊंट को जमीन पर बिठाने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन 18 जुलाई से आटा, दही, दाल, चावल, अनाज से अस्पतालों के इलाज तक पर लगे जीएसटी टैक्स ने एक बार फिर महंगाई के जिन को बाजार में छोड़ दिया है। इस खबर के बाद से चारों ओर महंगाई का शोर सुनाई पड़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी की नई दरों का सीधा असर खुदरा बाजार पर पड़ा है। जीएसटी की नई दरों ने अब लोगों के लिए सिर्फ खाना और रहना ही नहीं बल्कि बीमारी में इलाज कराना भी महंगा कर दिया है। एक तरफ जीएसटी की नई दरों की मार, ऊपर से डॉलर के रुपए के मुकाबले 80 पार की खबरों ने महंगाई को लेकर और चिंता बढ़ा दी है। रुपए के कमजोर होने से महंगाई की कम होने की उम्मीद को खत्म कर दिया है। रुपए के कमजोर होने से कच्चे तेल का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल का ज्यादातर हिस्सा इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो उसका असर जरूरी चीजों की ट्रांसपोर्ट लागत पर साफ तौर पर दिखने लगेगा। इतना ही नहीं, खाने के तेल और नॉन फार्म कमोडिटी के इंपोर्ट का भी बिल बढ़ जाएगा। जाहिर है कि इसका असर भी आखिरकार आखिरी पायदान पर खड़े रिटेल ग्राहक की जेब पर ही पड़ने वाला है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो सवाल यहाँ पर अब ये उठता है कि आखिर कब मिलेगी महंगाई से राहत? क्या है बढ़ती महंगाई की वजह? पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी घटाने वाली सरकार को जीएसटी की नई दरें क्यों लगानी पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे आज के पैनलिस्ट से, और साथ ही महंगाई के इस चक्रव्यूह को समझने की भी कोशिश करेंगे और आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि अगर देश में ही नहीं विदेश में महंगाई पड़ रही है तो कैसे आपके निवेश पोर्टफोलियो पर भी इसका असर पड़ता हुआ हम देखेंगे। येस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इंद्रनील पंड, मनीर स्कूल के फाउंडर अर्णव पंड्या और साथ ही steven.com के बिजनेस हेड दीपेन शाह हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। इंद्रनील जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है महंगाई के इस चक्रव्यूह को समझना। देखिए, घरेलू तौर पर तो जिस तरह से महंगाई हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसमें थोड़ी सी नरमी आई है अगर हम भारत के सिनेरियो कंसिडर करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत से करें क्योंकि शुरुआत यहाँ पर विदेशी अर्थव्यवस्था में जिस तरह से महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। यूएस में 41 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर महंगाई पहुंच गई है। यूके और तमाम देशों में हम देख रहे हैं कि महंगाई के वजह से नींदें हराम है, न सिर्फ सरकारों की बल्कि लोगों की भी बुरी हालत है। शुरुआत यहां से करके जानेंगे कि इसका जो कनेक्शन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कैसे है, बताएं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन जी, कोई बात नहीं, इत्मीनान से समझाइएगा। ये महंगाई का जो इशू है ये सिर्फ आज का नहीं है, ये काफी पुराना इशू है जो आज को देखने को मिल रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो सप्लाई साइड है, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण सप्लाई साइड के ऊपर असर पड़ रहे थे। चाइना में इंडस्ट्री ट्रांजिशन कर रहे थे टुवर्ड्स लेस पोल्यूटिंग एटमॉस्फेयर, उसी के कारण काफी जो प्रोडक्शन होते थे चाइना में और जो पूरा वर्ल्ड में फैलते थे वो भी कम होना चालू हुआ था। बीच में आया फिर कोविड,
कोविड में काफी सप्लाई चेन्स जो है वो बंद हो गए थे। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पता होगा, दर्शक को पता होगा, सेमीकंडक्टर्स मेजर एक इनपुट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो गाड़ी में लगते हैं, कंप्यूटर्स में लगते हैं, उसका प्रोडक्शन कम हो गए थे। उस कोविड से हम जब तक बाहर आ रहे थे, तो उसके बाद इमीडिएटली आया रशिया और यूक्रेन क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन दोनों मिला के काफी एक्सपोर्ट्स करते हैं दुनिया में, उसका मेन है वीट एक्सपोर्ट्स और एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट्स और ऑयल एक्सपोर्ट्स, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स। रशिया से काफी गैस भी जाता है यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये सब होने के वजह से ओवरऑल सप्लाई चेन जो उम्मीद हो रहा था कि कोरोना से निकलने के बाद ठीक होना था, वो हुआ नहीं। और इसी कारण ये जो पूरा प्रेशर कुकर जोन सॉर्ट ऑफ हो चुका है, उसके कारण महंगाई पूरा दुनिया में फैल चुका है और उसका असर इंडिया में भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल वीट एक्सपोर्ट्स, जब भी दुनिया का वीट प्राइसेस बढ़ रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इसीलिए हमारा भी डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे थे। एक्सट्रीम हीट कंडीशंस के वजह से हमारा वीट प्रोडक्शन लास्ट ईयर कम हुआ, उसके वजह से गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वीट का वो भी कम हुआ, और डोमेस्टिक वीट प्राइसेस बढ़ रहे थे और गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया वीट एक्सपोर्ट्स बंद करने का। तो उसके उसका पॉजिटिव असर थोड़ा हो रहा है वीट प्राइसेस के ऊपर डोमेस्टिकली। एडिबल ऑयल प्राइसेस जो हमने समझाया कि रशिया और यूक्रेन मिला के एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट्स काफी है, इवन मलेशिया में एक्सपोर्ट एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन कम होना चालू हुआ, वो गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी एडिबल ऑयल पे निकाल दिया, उसका भी थोड़ा असर डोमेस्टिकली हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लोअर सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये पूरा सिचुएशन है। ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। मॉनेटरी पॉलिसी से हम इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे जैसे हमने समझाया कि सप्लाई साइड का ज्यादा असर है ये इन्फ्लेशन में, और मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड साइड पे असर करता है, सप्लाई साइड से नहीं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का लेकिन ये उम्मीद है कि जितना थोड़ा बहुत डिमांड ऊपर है उसको भी नीचे लाए, और जितना जल्दी हो सके इन्फ्लेशन को नीचे लाए। आपने काफी बखूबी समझाया कि किस तरह से ये महंगाई बढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा भारत के संदर्भ पर फोकस करेंगे अर्णव जी। और भारत में तो हम देख रहे हैं कि जो अभी जो पिछले CPI WPI के आंकड़े आए हैं, उनमें बहुत ही मामूली राहत आई है, जिसे आसानी से आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये उतनी बड़ी राहत नहीं है जितनी शायद हमें चाहिए थी। लेकिन साथ ही 7% की जो महंगाई की हमारी दर है, ये लगातार RBI के कम्फर्ट जोन के ऊपर तो बनी ही हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो हमें इसकी आदत भी है। तो अगर सप्लाई साइड से ये इतना बड़ा कंसर्न है, तो क्या हम इसको और आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, या आपको लगता है कि क्योंकि हमारे पास एक मेजर इंपोर्ट बिल के तौर पर देखा जाए तो कच्चा तेल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी कीमतों के चलते हमारी महंगाई हो सकता है बढ़ेगी, वरना अगर यहाँ पर ये फैक्टर कंट्रोल में आ गया तो भारत की स्थिति महंगाई को लेकर, ब्याज दरों को लेकर काफी कंट्रोल्ड है। तीन चीजें हैं जो यहाँ पर एक दूसरे को के बीच में चल रही है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो एक तरह से एक काफी बड़ा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, इन द सेंस कि जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो कच्चे तेल के ऊंचे दामों से आ रहा है, फूड में एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस बढ़े हुए उससे आ रहा है। तो अब इसके सामने अगर इसको कंट्रोल करना है तो ये चीजें थोड़ी सस्ती होने के लिए उसका एक जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये सब में एक और मिक्स आ गया है हमारे लिए, और वो है रुपी का डेप्रिसिएशन। और ये रुपी का डेप्रिसिएशन इसलिए भी है क्योंकि US जिस तरह से ब्याज की दरें बढ़ा रहा है, तो उसमें से हमने देखा है कि हमारी कैपिटल मार्केट से, खास करके इक्विटी मार्केट से, जो एक बड़ा $35 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है, जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये एक फैक्टर आ चुका है। अब देखिए, हाई ऑयल प्राइसेस क्योंकि
रशिया यूक्रेन के वॉर के हिसाब से इतने ऑयल के दाम जो बढ़ गए थे, ऊंचे ऑयल प्राइसेस और इस प्रकार के आउटफ्लो के साथ रुपी पे इतना प्रेशर आया है कि वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसके लिए जो भी इम्पोर्टेड चीजें है वो महंगी होती जा रही है। तो हम वहां पर देख रहे हैं कि एक ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ओवरऑल इस प्रकार के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो एक तो ये होना चाहिए कि ऑयल प्राइसेस को कंसिस्टेंटली नीचे आना चाहिए। हमने क्या देखा है कि एक दो बार ऑयल प्राइसेस गिर चुकी है रिसेंटली, पिछले कई दिनों में तो $100 के नीचे भी ब्रेंट चला गया था, लेकिन ये वहां टिकता नहीं है क्योंकि जब तक आपको रशिया यूक्रेन के वॉर में एक पूरा कोई सोल्यूशन ना आए या थोड़ा सीज फायर ना होए, तब तक ये ऑयल प्राइसेस इतने इजीली कूल ऑफ होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि सऊदी अरेबिया और दूसरे ओपेक कंट्रीज के पास कितनी स्पेयर कैपेसिटी है ऑयल का सप्लाई बढ़ाने के लिए, तो उनके पास भी नहीं है, और दूसरी बात वो आज की तारीख में इतना चाहते भी नहीं है कि वो सप्लाई बढ़ाए, तो सप्लाई साइड से भी कोई रिलीफ नहीं आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि आगे जाते हुए हमें ये पता नहीं है कि जो यूएस ने नया प्रपोजल रखा है कि रशियन ऑयल के प्राइस कैप किए जाएंगे, उसका असर क्या होगा, क्या इससे एक बार फिर ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी होगी, और जिस प्रकार से हम विंटर की तरफ जा रहे हैं यूरोप में, जहां पर डर ये है कि रशिया धीरे धीरे करके जो गैस सप्लाई है यूरोप का वो भी चोक ऑफ कर देंगे, तो उससे भी क्या असर होता है ये देखना जरूरी है। तो जब तक ऑयल ऑन द बॉइल है तब तक हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, और दूसरी बात कि डॉलर के स्ट्रेंथनिंग पे, और क्योंकि रुपया वीक हो रहा है डॉलर के सामने, थोड़ा इम्पोर्ट दूसरे इम्पोर्ट चीजों का भी प्रेशर रहता है, तो ये दो चीजें मेन है। अगर इस पे थोड़ा कंट्रोल आ जाए तो फिर हम धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन में थोड़ा राहत अनुभव सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से ये पूरा जो मामला है वो अनफोल्ड होगा। देवेन, आपकी एनालिसिस क्या कहती है कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, और कितना भारी पड़ेगा ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर? देवेन, दीपेन जी, गुड इवनिंग जी, सवाल आपसे था कि जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आई वांट टू स्टिक माय नेक आउट एंड से कि जो हिसाब से हम इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस पे प्रेशर थोड़ा देख रहे हैं ऊपरी लेवल्स पे, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से हमें लगभग 8-10% की गिरावट देखने मिल सकती है। तो हमारा मानना ऐसा है कि अगले क्वार्टर में आपको लगभग 95-90 के आसपास के रेंज में इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं, तो आपको थोड़ा रिलीफ वो एंड पे देखने मिल सकता है। उसके बाद हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिसके आपकी लैंडेड कॉस्ट होगी इंडियन मार्केट में वो भी थोड़ी कमी हो जाएगी। तो दोनों ही फ्रंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको थोड़ा एक रिलीफ मिल सकता है इस महंगाई में। लेकिन मैं एक दूसरी पॉइंट पे कहना चाहूंगा कि सबसे डरावनी बात अभी इन्फ्लेशन को रिलेटेड ये है कि एवरी कंट्री, जो हर देश है अभी ये इसको एक पॉलिटिकल टूल के तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप कल प्राइम मिनिस्टर की बात को भी सुनेंगे तो आज हर कंट्री एक नए वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है, और जिसके पास जो भी संसाधन है या जो भी रिसोर्सेज है उसको एक पॉलिटिकल टूल करके या एक वॉर वेपन के तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर से साफ साबित हो रहा है कि चाहे वो नेचुरल गैस की सप्लाई हो, क्रूड ऑयल की सप्लाई हो, गोल्ड की भी सप्लाई हो, तो इस सबसे एक पॉलिटिकल या एक वेपन की तरह यूज हो रहा है। ये सबसे एक खतरनाक सिचुएशन उभर के आ रही है अगले दौर के लिए फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल, रुपए की कमजोरी इंद्रनील जी हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता है, इसको हम कैसे देखें? क्योंकि बाकी तमाम देशों की तुलना में अगर देखें तो कमजोरी कम है, लेकिन डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, इसकी कितनी मजबूती हमारे ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, डॉलर एक बार पैरिटी पे आ गए थे, मतलब डॉलर यूरो 1.00 पे आए थे, उधर से फिर थोड़ा बाउंस हुआ है, इन द सेंस ईसीबी अभी रेट हाइकिंग कुछ किए नहीं है, ईसीबी अभी चालू करेंगे अपना रेट हाइक करना, तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि डॉलर इससे भी ज्यादा
सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव हो जाए। सेकंड इशू है जो ऑयल का बात हो रहा था, उसका असर मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन पे कम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है 21 मई के बाद से कोई भी पास थ्रू नहीं किया है टू दी पंप्स। क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर है, वोलेटाइल है, लेकिन जो पंप प्राइसेस है वो अनचेंज्ड है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो डिप्रिसिएशन प्रेशर है और जो ऑयल वोलेटाइल है, उसका इम्प्लीकेशन ज़्यादातर इन्फ्लेशन पे नहीं होगा, उसका इम्प्लीकेशन ज़्यादातर होंगे अपना फिस्कल या करंट अकाउंट पे। और ये जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आपने पूछा है, करेंसी डेप्रिसिएशन होना ही चाहिए। द मेन फैक्टर जो हमको देखना चाहिए और आरबीआई को देखना चाहिए कि करेंसी कितना द्रुत गति से डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर सब देश का करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमारा भी कॉम्पिटिटिव प्रेशर मेंटेन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने के लिए हमारा भी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होना जरूरी है। अगर पकड़ के रखने का कोशिश करेंगे तो बाद में डेप्रिसिएशन का प्रेशर ज्यादा होंगे और वो ज्यादा खतरनाक होंगे अपना फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत इंपोर्ट के ऊपर असर आएगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के ऊपर असर आएगा, लेकिन ऑपोजिट साइड में हम देख रहे हैं कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसके हिसाब से मेटल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, ये सब नीचे आ रहे हैं। उसका न्यूट्रलाइजेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट करेंसी से हो रहा है, तो उसका जो नीचे आ रहा है मेटल प्राइसेस, पूरा इम्प्लीकेशन, पूरा पॉजिटिव साइड बेनिफिट इन्फ्लेशन पे आएंगे नहीं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज है करेंसी डेप्रिशिएट करने में। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जितना हम डेट ले चुके हैं बाहर से, जो डॉलर डेट है, जो फॉरेन करेंसी डेट है, वो फॉरेन करेंसी डेट जब हम रिपे करने जाएंगे तो हमको प्रेशर उधर ज्यादा, कंपनीज को प्रेशर उधर ज्यादा आएगा कंपेयर टू व्हाट इट वाज से इवन 3 to 4 months बैक। तो ये मोस्टली इम्प्लीकेशंस आएंगे करेंसी डेप्रिसिएशन का। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दो धारी तलवार है, जहाँ पर फायदे हैं रुपए की कमजोरी के, वहाँ पर नुकसान भी हमको हो रहे हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी के नज़रिए से हमें समझना हो तो सरकार कड़े कदम उठा रही है, आरबीआई भी कदम उठा रहा है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर महंगाई की दरें भी बढ़ाई जा रही है। अब जैसे कि जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई हैं, उसी का अगर हम उदाहरण ले लें, उसके बाद डिमांड की जहाँ तक बात है, भारत में एक तरफ तो महंगाई ऊपर जा रही है, लेकिन साथ ही चीज़ों को लेकर डिमांड भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात ले ले, ओवरऑल कंजम्पशन भी हम अच्छा खासा होता हुआ देख रहे हैं। पहले हमें लगा था केवल ये पेंट अप डिमांड है, लेकिन उसके बाद अब ये अच्छी डिमांड निकलती हुई आ रही है, जो कि पेंट अप भी नहीं रह गई है। तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर हमारी महंगाई को लेकर राहत देने के लिहाज से क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तमाम पेट्रोल डीजल पर राहत देने की कोशिश तो कर रही है, इसका तो इम्पैक्ट है ग्लोबल बाजारों की वजह से भी पड़ता है, लेकिन सख्त हदायतें दी गई हैं यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। आम आदमी के लिए राहत की बात घरेलू महंगाई को लेकर क्या हो सकती है? जी, अगर हम देखें तो जो आम आदमी है उनके लिए राहत की बात कहीं और से आ सकती है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि कितनी कीमत कोई आम आदमी कोई गुड्स या सर्विसेज के लिए चुका रहा, तो अब उसमें अगर हम देखें तो एक साइड से पूरी इकोनॉमी में हम अगर कंज्यूमर्स को अलग अलग सेक्शन में बांट दे तो हम देख रहे हैं कि कई सेगमेंट में डिमांड तो स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल है, वहां के जो एम्प्लॉयज है वो आज की तारीख में भी पिछले 2 साल में जिस तरह से उनको वेज हाइक मिल रही थी वो सब जारी है, तो सर्टन क्लासेस को इनकम में कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अच्छा मानसून ये इस साल आ जाए तो जो रूरल डिमांड है वो भी जो वीक हो चुकी है, वहां से जो कंजम्पशन वीक है तो उससे भी थोड़ी डिमांड वापस आ जाएगी। लेकिन ये सब के सामने जो सप्लाई साइड है
ये सप्लाई साइड पे हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसमें राहत की बात यह है कि ओवरऑल पहले जो मेटल का इन्फ्लेशन था, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट जाते थे बेस मेटल्स के, वो सभी कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ये सभी के भाव दाम आप देखिए इंटरनेशनल बाजार में कम हो रहे हैं। आज की तारीख में क्योंकि रुपया थोड़ा वीक है तो वहां पर थोड़ा सेटअप है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि खाने की चीज है, जहां पर हमने पाम ऑयल और उसके जो दाम बढ़ते हुए देखे थे, वहां पर भी इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब थोड़े रिलैक्सेशन दे रहे हैं उनके एक्सपोर्ट्स में, वहां से लेकर और सप्लाई बढ़ने से यहाँ पर भी राहत मिल रही है। तो आपके कई दामों के प्रोडक्ट या कई दाम जो बढ़ रहे थे वो एक बार जब थम जाएगा, पास ऑन आने में थोड़ा वक्त लगेगा कंज्यूमर के लिए, लेकिन ये सब धीरे धीरे जैसे आ जाएगा तब कंज्यूमर को अपने एक्सपेंसेस में एक राहत मिलेगी। ये एक अच्छी बात है क्योंकि यही एक एक्सपेक्टेशन है कि आप धीरे धीरे करके जो प्राइस राइज का जो सिलसिला चालू है उस पे एक बार रोक लगा दीजिए, ताकि एक जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो अच्छी हो, बरकरार रहे। क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि देखिए, आप कोई भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे देखिए, वहां पर भी जो लोगों की आशाएं है, एक्सपेक्टेशन है, वहां पे एक गिरावट आ रही है। तो ये भी रोकना जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन के फाइट में कई बार एक्सपेक्टेशंस और कंज्यूमर का जो माइंडसेट है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच बाकी तमाम चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जहां पर बेस मेटल्स के साथ साथ दीपेन बताएं हमें सोने की चाल और साथ ही चांदी की चाल आपको फिर कहां जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ डॉलर मजबूत हो रहा है और क्या वो सेफ हैवन अपील जो हमें नॉर्मली दिखनी चाहिए प्रेशियस मेटल्स में, क्या वो उभरती हुई आ रही है? जी, अभी तो नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जहाँ पे डॉलर की स्ट्रेंथ जारी है, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेटल्स में आपको गिरावट देखने मिली है, और इसके साथ साथ बेस मेटल्स में भी काफ़ी गिरावट देखने मिली है। तो हमारा मानना ऐसा है कि थोड़ा और गिरावट का दौर रह सकता है, और आपको जब भी फेस्टिव सीजन जाएगी उस समय से थोड़ा पिकअप होते हुए दिखेगा इंडियन मार्केट्स में, और लास्ट क्वार्टर में इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आपको गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा पिकअप देखने मिलेगा। तो आई थिंक सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, लेकिन थोड़ा और एक क्वार्टर के बाद आपको चलिए यहाँ पर शायद आप जो आखिरी बात बोल रहे थे वो कट गई नेटवर्क इशू की वजह से। आप कीमतें बता रहे थे एक बार, बेस मेटल्स के लेवल्स भी आप बता पाएंगे दीपेन? अगर बेस मेटल्स की बात करेंगे तो कॉपर में काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है। कॉपर हमारा मानना है कि फिर से 550-575 के लेवल के आसपास आपको देखने मिलेगा, 190-180 के आसपास एल्यूमिनियम के प्राइसेस देखने मिलेंगे। तो थोड़ी और 10% की गिरावट हमको अक्रॉस द काउंटर पूरे बेस मेटल्स में अगले क्वार्टर में शायद देखने मिल सकते हैं। इंद्रनील जी, अब थोड़ा सा भारत के फायदे की बात करते हैं, जहां पर भारत एक अहम वैल्यू चेन के तौर पर कैसे उभर सकता है इन तमाम जो भी सूरत हाल है इंद्रनील जी, फिलहाल जो हमें दिखाई दे रही है कमज़ोर होते हुए रुपए के फ्रंट पे, या विश्व लेवल पर हम जो महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत इसका सामना कर पाएगा। लेकिन केवल सामना नहीं करना है, अगर हम चीन की भी अर्थव्यवस्था देखें तो उसकी GDP कुछ खास बढ़ी नहीं है जहाँ तक आंकड़े सामने आए हैं, और अगर वो आंकड़े फज नहीं है, बट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तमाम सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए अगर हम चाइना को भी कंसिडर करें तो भारत कैसे एक अहम वैल्यू चेन बनकर उभर सकता है, और कितने इसकी पॉसिबिलिटीज है? देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी इस दिशा में सोच बना के रखे हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम है, फिर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस नीचे किए हैं, वो सबसे डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है और बाहर के कंपनीज इधर आके प्रोडक्शन सेटअप कर सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज है, वो उसका रेजोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट इंडिया में रिलेटिवली ज़्यादा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू से चाइना एंड सम ऑफ द एक्सपोर्टिंग नेशंस ऑफ द एशियन कंट्रीज।
तो वो एक इशू है। गवर्नमेंट का जो काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्पेशली काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स देखेंगे वो मोस्टली खाली दिल्ली और मुंबई का के डेटा लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैलकुलेट होता है। तो ऐसे काफी एरियाज है जहां, और काफी ज्योग्राफिकल लोकेशंस है इंडिया में जहां अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पेपर्स दैट नीड टू मूव वो कम नहीं हुआ है। तीसरा मैं बताना चाहूंगा, इंडिया का फोकस अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ऐसे था कि इट वाज मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन हमारा लेबर सरप्लस है तो हम अब हमको अभी वैल्यू चेन क्रिएट करने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसमें हमारा कॉस्ट एडवांटेज रहेंगे। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में हमारा कॉस्ट एडवांटेज रिलेटिवली लो है, तो उस हिसाब से अगर डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है तो डोमेस्टिक जीडीपी को भी ऊपर आने में, जल्दी ऊपर आने में फायदा होंगे। बिल्कुल, चलिए ये तमाम कदम जहाँ पर भले ही हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था महंगाई से जूझ रही है, ऐसा नहीं है कि भारत इससे अछूता है, लेकिन भारत के पास इससे आगे बढ़ने में और इसका सामना करने में पूरी क्षमता है, और फिलहाल जो कदम सरकार की तरफ से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इसी का इशारा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।